जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर खतरनाक जंगलों से फैली हुई है। गलती से अगर कोई इंसान यहाँ चला जाए तो उसका निकलना असंभव है। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े जंगलों की। नंबर 5 पर आता है टोंगास फॉरेस्ट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी श्रीलंका से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र इसने घेर रखा है। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में फैले इस जंगल में असंख्य पशु, पक्षी और खतरनाक जानवर रहते हैं। नंबर 4 पर आता है वाल्डिवियन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में लगभग 2,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है। बारिश के कारण यह जंगल जहाँ लाखों कीड़ों मकोड़े का घर बन गया है, वहीं यहाँ के जंगल घने हो चले हैं। लगातार बारिश के कारण वृक्षों पर कीकाई उग आई है। इस जंगल में 132 से भी अधिक दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। यह जंगल मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। नंबर 3, कांगो फॉरेस्ट। यह तो आप जानते ही हैं कि अफ्रीका तो जंगलों का ही महाद्वीप है, लेकिन उसमें की कांगो तो बहुत ही भयानक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20,23,000 और 428 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 10,000 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कांगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 1,000 से भी ज्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज्यादा प्रकार के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। खास बात यह है कि कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जिसमें पिराना नाम की मछलियां किसी भी इंसान को मिनटों में खत्म कर सकती है। नंबर 2 पर आता है टैगा फॉरेस्ट। यह जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक 1,20,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत और चीन दोनों का जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल इस जंगल का है। स्वर्ग की तरह नजर आने वाला यह जंगल अंटार्कटिक महासागर में भी मौजूद है। इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी ध्रुव से लगा होने के कारण यह बेहद ही ठंडा है। इसके कई हिस्सों में तो बस बर्फबारी ही होती रहती है, इसीलिए यहाँ पशु और पक्षियों की कम ही प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ 4 या 5 प्रकार के पेड़ ही पाए जाते हैं। इस जंगल में रशिया के साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा भी शामिल है। नंबर 1 पर आता है अमेजन जंगल। या जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। कहते हैं इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विशाल जंगल 70,00,000 वर्ग किलोमीटर यानी 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। एनाकोंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह विशालकाय होते हैं जो अमेजन के जंगलों में मौजूद नदी में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इन नदियों में पिराना जैसी खतरनाक मछली और बिजली पैदा करने वाली मछली भी पाई जाती हैं। वह इस तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले पिशाच चमगादड़ भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह जंगल खतरनाक जगह है, जहां जाना मौत के मुंह में जाने के समान है।